यदि आपने अपना नया आधार कार्ड बनवाया है या फिर आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाया है, लेकिन आधार की ऑफिस के द्वारा आपका आधार कार्ड बाई पोस्ट सेंड नहीं किया गया है, इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक नंबर से यानी कि आधार रिसीविंग से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस आधार कार्ड का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा। अब टाइप करेंगे UIDAI, इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है तो ये प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला लिंक आ रहा है ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ गए हैं। फिर आपको नीचे जाना है तो आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है गेट आधार, तो आपको गेट आधार के सब मेन्यू पर जाना है। आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड आधार, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन होगा। ये पॉपअप इसलिए ओपन होता है क्योंकि आधार की न्यू वेबसाइट लॉन्च हो गई है। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार के न्यू पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है ये आपके आधार कार्ड के न्यू वेबसाइट का न्यू पोर्टल है फ्रेंड्स। फिर आपको नीचे आना है तो आप देखते हैं आपको यहाँ तक आना होगा, यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड आधार, आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपने आधार नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने एनरोलमेंट नंबर से एनरोलमेंट आईडी जो आपकी रिसीविंग में होती है जब आप पहली बार अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको स्लिप दी जाती है, उसमें एनरोलमेंट आईडी होती है, वो एनरोलमेंट आईडी से भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है वर्चुअल आईडी से, लेकिन यहाँ आपको नया आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो मैं आपको एनरोलमेंट आईडी से दिखाऊँगा। आप देखते हैं यहाँ दूसरा ऑप्शन आ रहा है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी फिल करनी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एनरोलमेंट आईडी होती कैसी है। देख सकते हैं जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो ऐसी एनरोलमेंट आईडी होगी, यहाँ पर आपका ये एनरोलमेंट नंबर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ रहा नामांकन संख्या, यहाँ पर आ रही है यही आपकी नामांकन संख्या है, ये आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है डेट, डेट और टाइम, तो ये आपको फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कराएंगे ये, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा तिथि, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर फिल करनी है, ईयर के बाद मंथ फिल कराएंगे, मंथ के बाद आप डे फिल कराएंगे, डे फिल करने के बाद जैसा भी टाइम आ रहा है यहाँ आ रहा है 15/08/58, तो ये आपको फिलअप कर देना है बिना गैप दिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देख सकते हैं आपको इस तरीके से फिलअप करना है, एनरोलमेंट आईडी फिल कराएंगे, ईयर फिल कराएंगे, फिर आप मंथ फिल कराएंगे, फिर डे फिल कराएंगे, फिर आप टाइम फिल कर देंगे। इतना फिल करने के बाद जो भी कैप्चा आ रहा है सेम एज कैप्चा आपको फिलअप करना है, कैपिटल में होगा तो आप कैपिटल में फिल कराएंगे, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में। फ्रेंड्स इतना फिल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेंड OTP शो होने लगा है, आप इस पर क्लिक कराएंगे तो प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा। देख सकते हैं OTP सक्सेसफुली डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो फ्रेंड्स जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP सेंड कर दी गई है, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करनी है। OTP फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड डाउनलोड, OTP फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड डाउनलोड। फ्रेंड्स ये प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा, आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन आएगा, ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड, देख सकते हैं द आधार लेटर PDF पासवर्ड विल बी इन 8 करेक्टर। तो फ्रेंड्स जो भी आधार कार्ड आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा या कंप्यूटर में डाउनलोड होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, वो पासवर्ड आपको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। तो उसके लिए जो भी आपका नाम है आप अपने नाम के फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल में टाइप कराएंगे और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ की ईयर होगी वो आपको फिलअप करनी है। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है योर नेम इज़ अनिश कुमार, तो फ्रेंड्स आपको अनिश लिखना है ANI ANIS, फिर आप ईयर लिख देंगे, देख सकते हैं ईयर ऑफ बर्थ 1989, तो आपकी जैसी भी होगी आपको सेम एज वैसी ही फिलअप करनी है। तो फ्रेंड्स जो भी आपका आधार कार्ड है यदि आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में जो भी डाउनलोड सेक्शन होगा उसमें डाउनलोड हो जाएगा, यदि आप मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कि मेरी मोबाइल की गैलरी में कहाँ पर डाउनलोड हुआ है, देख सकते हैं
ये मेरा फाइल मैनेजर है, यहाँ डाउनलोड पे जाऊंगा, देखते हैं यहाँ पे आ रहा है ई आधार, देख सकते हैं पहले ऑप्शन में आ रहा है, आप इस पर क्लिक कराएंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये आपको ब्रेक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे अमन नाम है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे AMAN और फिर फ्रेंड्स चार वर्ड हो गए यहाँ पे, फिर आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ईयर होगी ये आपको इस तरीके से फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आप क्लिक कर देंगे ओपन पर, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, आप इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं और आप इससे अपना आधार कार्ड भी बना सकते हैं और इस आधार कार्ड का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आधार कार्ड पूर्णतः वैलिड है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी आधार रिसीविंग से एनरोलमेंट नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे हमारी महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। थैंक यू।